इंडिया की वुमेन्स क्या चीज है यार, बांग्लादेश को इतनी बुरी हार जैसे कोई माइनों की टीम होती है यार। क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडियन खवातीन ने आज बांग्लादेशी वुमेन्स को पिछाड़ के रख दिया है। शिफाली वर्मा एंड मंदाना ने दोस्तों आज बांग्लादेशी बॉलर्स को कम्प्लीटली ट्रैश कर दिया। क्या वुमेन एशिया कप के अंदर कैसी टीम है जो कि इंडिया को हरा पाए? है कौन सी? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नारी शक्ति एक बार फिर से बारी, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, जिस तरह से आज उनकी कैप्टनसी थी, जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त बॉलिंग। रेणुका सिंह ने कहर ढा दिया, रेणुका सिंह अनप्लेबल हो गई, शी वाज लाइक अ टाइग्रेस। बट इंडियन वुमेन्स आर टू गुड यार। रेणुका सिंह आप देखो यार, ये क्या पेसर है यार, क्या उसकी पेसी डिलीवरी थी शुरू वाला स्पेल यार। 4 ओवर 1 मैडन 10 या 14 रन देके उसने 3 विकेटें ली हैं। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं कि इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट। तो वाला ड्रेसिंग रूम में जाके ना शिवाली वर्मा का ना मेकअप उतारो, क्या पता बीच में रोहित शर्मा निकल आए। आप रेणुका सिंह को देखते बॉलिंग करते आपको लगता है यार कोई मतलब क्या शहंशाह अफरीदी आ गया है, ये जसप्रीत बुमराह आ गया है। सीधी साफ बात है, शिवाली वर्मा और मंदाना कैंसल, रोहित शर्मा विराट कोहली टिक। ये मेंस के अंदर जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा आते साथ ही कुटने शुरू हो जाते हैं, जो समझ लें कहना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख लो जिस तरह रोहित शर्मा आके कुटता है, और वुमेन्स के अंदर इंडिया का किसी के साथ भी मैच खिला लो शिवाली वर्मा और मंदाना जिस तरह आके कुटती है आपको रोहित शर्मा विराट कोहली नजर आता है। अब वो जमाना गया जब लोग पूछते थे कि कितने आदमी थे तो जवाब मिलता था कि सरकार 2। अब पूछा जाएगा कि कितनी लड़कियां थी तो जवाब मिलेगा कि सरकार 2 लड़कियां थी। शिफाली वर्मा एंड मंदाना ने दोस्तों आज बांग्लादेशी बॉलर्स को कंप्लीटली ट्रैश कर दिया। आज मंदाना ने हाफ सेंचुरी बनाते हुए अपनी टीम को जबरदस्त स्टार्ट देते हुए फाइनल में पहुंचा दिया हिंदुस्तान की टीम को। वेल डन भाई, ब्रेव लेडी, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। औरतों का या वुमेन्स का सूर्य कुमार यादव मंदाना क्या यार, वन साइडेड मैच सेमीफाइनल के फर्स्ट राउंड में जो है हिंदुस्तान बांग्लादेश को हरा चुका है 10 विकेटों के नुकसान पर, और हिंदुस्तान वुमेन्स टीम जो है वो फाइनल में जा चुकी है। आज दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। श्रीलंका या फिर पाकिस्तान ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी उसी का सामना होगा हिंदुस्तान वुमेन्स टीम से फाइनल में। और जिस तरीके से दोस्तों हिंदुस्तान की वुमेन टीम खेल रही है तो मेरे को नहीं लगता कि भाई वुमेन्स एशिया कप जो है कहीं जाने वाला है। और भाई क्या ओपनिंग पेयर है ये मंदाना और शिफाली का, इतना जबरदस्त इनिंग और इतनी जबरदस्त स्टार्ट देती है ये अपनी टीम को कि भैया मैन लोग भी देख के ना उनका भी दिल बाग बाग हो जाता है कि खेलना है तो इस तरीके से खेलो। मेरे ख्याल से जिस तरीके से खेलने का अंदाज है शिफाली वर्मा और मंदाना का, यार मैं कहता हूं ना कि बाबर आजम अगर इतना भी खेल लेना तो अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ तो कर पाएगा। और आपको पता है कि बाबर आजम ज़्यादातर पाकिस्तान की टीम से जो है ओपनिंग में ही खेलते हैं। हम उनको क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि भाई सारे देशों के ओपनर्स को लेकर सबसे कमज़ोर और सस्ता तरीन ओपनर जो है पाकिस्तान का ही है बाबर आजम, इस वजह से हम मेंशन कर रहे हैं, बोलते हैं घंटे लड़कियों से ही कुछ सीख लें। एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडियन खवातीन ने आज बांग्लादेशी वुमेन्स को पिछाड़ के रख दिया है। आज हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया है। आज अगर इंडियन वुमेन्स की हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, पहले तो उन्होंने बांग्लादेशी वुमेन्स को जो है स्कोर ही नहीं करने दिया, 80 का टारगेट दिया जो कि उन्होंने चुटकियां बजाते जो है चेस कर लिया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हमें मेंस क्रिकेट टीम खेलते हुए नजर आई उसी तरह आज हमें जो है इंडियन खवातीन जो है वो मैदान मारती हुई नजर आई है। मतलब आज हम कह सकते हैं कि इंडियन खवातीन भी मर्दों से कम नहीं है। यार देखें, अगर आप स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा की बात करें, इन दोनों को देखें मुझे विराट और रोहित की जोड़ी याद आ जाती है यार। ये दोनों ओपनिंग में आती हैं और किसी भी बॉलिंग लाइन को दबा करके चली जाती, एक भी आउट नहीं कर पाए बांग्लादेश वाले। या शिफाली वर्मा ने जो नेपाल के खिलाफ 81 मारा था, 48
एट बॉल्स के अंदर, और आज भी वो बैट उनका रुका नहीं है मनान, उन्होंने जो मारा है जो घसीटा है। मैं कह रहा हूँ कि चैंपियन इस एशियन टीम्स के अंदर ना कोई भी ऐसी टीम नहीं है। आप मुझे बताइए क्या नेपाल इनको हराएगी, क्या बांग्लादेश इनको हराएगी, क्या पाकिस्तान इनको हराएगी? भाई इंडिया को हराने वाली टीम मुझे मौजूदा इस एशियन टीम में नजर नहीं आएगी कोई टीम हराने वाली, क्योंकि देखे ना इंडिया का हमेशा मुकाबला जाता है पाकिस्तान के साथ जाता है या ना फिर सीना कंट्रीज के साथ। वो तो ये तो एशिया कप इसके अंदर कोई सीना कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। अब मजे की बात यह है कि यार क्या बांग्लादेश का मुकाबला बनता था इंडिया के साथ आना, और मेंस के अंदर कभी नहीं कर पाए तो वुमेन्स ने क्या मुकाबला करना है? ये बंगाली वो नस्ल है जो किसी के नहीं होते, ना क्रिकेट के हुए हैं ना अपने मुल्क के हुए हैं। ये देखो शिफाली वर्मा का आप अगर रिकॉर्ड चेक करो, शिफाली वर्मा मोस्ट रन टी20 एशिया में, शिफाली वर्मा के 158 रन शिफाली वर्मा के जा रहे हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी शिफाली वर्मा का जा रहा है एशिया के अंदर, उसके अलावा मोस्ट सिक्सेस भी शिफाली वर्मा के ही जा रहे हैं, मोस्ट फोर भी शिफाली वर्मा के जा रहे हैं। यार ये शिफाली वर्मा इंडिया के पास वो जैम आ गया जो रोहित शर्मा आया था। इवन शिफाली वर्मा की आप बॉडी फिजिक भी चेक करें, शिफाली वर्मा रोहित शर्मा की बहन भी लगे कजन फूफो की बेटी लगती हो जिस तरह ये कुटती है। यार एक दफा ना ड्रेसिंग रूम में जाके ना शिफाली वर्मा का ना मेकअप उतारो, क्या पता बीच में रोहित शर्मा निकल आए। यार देखें कि ना नो डाउट के ना बड़ी खुशी महसूस होती है जब क्या कहते हैं साउथ एशिया की कंट्री फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान जो क्रिकेट वुमेंस के अंदर भी जो अब इतनी ऊपर जा रही है, बड़ी खुशी महसूस होती है। अब तो सुबह टाइम इस टाइम तो हमें हमारे हमसायों ने खुशी कर दिया, अब देखो रात टाइम हमारा मुल्क वाले क्या हाल कर रहे हैं। ये बताएं ये इंडियन वुमेन हो या इंडियन मेंस की टीम हो, वलीद ये क्या खा के मैदान में उतरते हैं कि जीते बगैर ये वापस जाना पसंद ही नहीं करते? पुराने दर्द को खाकर अंदर आते हैं, पुराने दर्दों को खाकर अंदर आते हैं कि भाई ये दिल ना ये इतना टूटा हुआ ना इसके अंदर सीमेंट भरना है वो भी ट्रॉफीज के साथ। अच्छा। हमारे यहाँ पे कुछ खाबे खूबे खा के भरते हैं वो ट्रॉफीज के साथ। देखो हमारे मैनो हमारी वुमेन खेलती है पैसों के लिए, डॉलर के लिए, वो खेलते हैं ट्रॉफीज के लिए, अपने मुल्क के लिए। आईसीसी वाले नहीं देते जितना बीसीसीआई वाले देते हैं, वो इसलिए वो कहते हैं हमारे हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना आईसीसी वालों ने देना अगले जो 10 ओवर में 50 लगा है ना इंडिया ने खुद करवाया। अच्छा था बांग्लादेश इंडिया के साथ खेलने ही ना उतरती, जिस तरह आज धुलाई हुई है ना बांग्लादेश की वुमेन्स की। पता था कि इंडिया ने जीतना यार, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बांग्लादेश को स्ट्रगल करने देते, अब थोड़ा पता तो चलता है यार ये मैच हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ये एडी वाला शो चल रहा है। बिल्कुल यार शिफाली वर्मा पता नहीं क्या खा के स्टेडियम में उतरी है, और स्मृति मंधाना का शर्ट का नंबर क्या है 18, और विराट की तरह ही वो खेलती है। और शिफाली वर्मा का भी काश रोहित शर्मा वाला नंबर होता। सीधी साफ बात है, शिफाली वर्मा और मंधाना कैंसल, रोहित शर्मा विराट कोहली टिक। ए वर्ल्ड कप जो था वो रोहित शर्मा के लिए डेसिग्नेटेड था, और ये जो एशिया कप है ये इंडिया की लड़कियों से कोई नहीं ले सकता। लुकिंग हाईली इम्पॉसिबल, ये ऐसे लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, माइटी ऑस्ट्रेलिया।